मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का इस खंडहर से बहुत पुराना नाता है। इस तीन मंजिला खंडहर की दीवारों से दाऊद और उसके परिवार का पुराना कनेक्शन है। इस खंडहर से मुंबई बम धमाके के मुजरिम दाऊद का कुछ ऐसा रिश्ता है जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं सकता। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के रत्नागिरी जिले का ये गांव डॉन दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी गांव है। इस गांव का नाम है मुमके। जरायम की दुनिया में भले ही दाऊद का सिक्का चलता हो, लेकिन उसके पुश्तैनी गांव में उसका कोई नाम लेवा नहीं है। सालों से दाऊद का ये पुश्तैनी बंगला वीरान पड़ा है। 1879 में बन रही थी, उसी वक्त उनके बड़ी बहन का इस जगबुड़ी में टूट के उनका और उनके भतीजे का इंतकाल हुआ था। उसके बाद 1981 में उनके बड़े भाई की बम्बई में हत्या हुई थी, साबिर इब्राहिम कासकर। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल यानी दूर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग, यानी किनारा कर लिए इस बिल्डिंग से, इस गांव के तकरीबन। मुंबई से करीब 330 किलोमीटर दूर बसे गांव मुमके के इसी घर में 26 दिसंबर 1955 को दाऊद का जन्म हुआ था। गांव के लोगों के मुताबिक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए दाऊद का बचपन इसी गांव में मुफलिसी में बीता। दाऊद के पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लिहाजा पूरा परिवार गांव से मुंबई शिफ्ट हो गया। गांव में तो आते थे, हम भी छोटे थे, गांव में जब आते थे तो हम भी उनको देखते थे, मिलते थे, जब हम भी छोटे थे। और वो जिस टाइम ये गांव में आते थे तो वो टाइम पे तो ये सवाल ही नहीं था, ऐसी बातें ही नहीं थी। गांव के लोगों के मुताबिक गांव के इसी घर में दाऊद के परिवार के कई सदस्यों की मौत हो चुकी है, इस वजह से पूरा परिवार यहां से मुंबई चला गया। गांव में आज भी ये बंगला भूतिया बंगले के नाम से जाना जाता है। वजह यही उनके समझ में ऐसा आया होगा कि भाई ये हमारे लिए अपशगुन जो जिसे हम कहते हैं, ये हमारे लिए लकी नहीं है, दो हादसे हो गए, बहन का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया। गांव वालों के मुताबिक दाऊद और उसका पूरा परिवार रत्नागिरी के इस पुश्तैनी बंगले को अशुभ मानता है। यही वजह है कि दाऊद के मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार भी कभी इस बंगले में झांकने नहीं आते। साथ ही सरकारी दस्तावेजों में यह बंगला दाऊद इब्राहिम की मां अमीना कासकर के नाम है।